अगर आप RDSP CSP यानी इंडसइंड बैंक CSP चलाते हैं तो आपको ये काम करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका बैंक CSP लॉगिंग नहीं होगा और आप किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग या फिर कोई भी सर्विसेज नहीं ले पाएंगे। लॉगिंग करने के समय OTP डालने के बाद जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ई साइन सिग्नेचर यानी कि एग्रीमेंट आपको करना होता है। यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ई साइन एग्रीमेंट करना होता है, अदरवाइज वहाँ पे क्लोज करके जैसे ही दोबारा आप RDSP CSP को लॉगिन करेंगे तो सबसे ऊपर देखेंगे ई साइन का ऑप्शन दिख रहा है। ई साइन के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर पैन नंबर या तो फिर मर्चेंट ID डालना होगा और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे मैं अपना मर्चेंट ID यानी CSP ID को डाल लेता हूँ और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ एंड ई साइन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। आपके सामने पूरा डिटेल्स खुल के आ जाएगा, जैसे कि देख पाएंगे तो आपके सामने स्टाम्प पेपर एंड और भी कई सारे डिटेल्स जो 22 पेज में आता है। अगर आप चाहें तो डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डिटेल्स में सब कुछ देख सकते हैं एंड RDSP CSP का जो मैनेजर है वहाँ का सिग्नेचर भी आप देख सकते हैं नीचे एंड ऊपर डबल फोटो आइकन के ऊपर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने दिख जाएगा कि क्या आपका एक्टिवेशन है या फिर नहीं है। जैसे कि लिखा है ई साइन एग्रीमेंट, आपका एक्टिवेशन कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे आपको एक्टिवेशन करना ज़रूरी है। उसके लिए यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके RDSP CSP में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस मोबाइल पे एक OTP भेजा जाएगा, जो OTP यहाँ पे फिल करने के बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखेंगे तो ड्रॉ सिग्नेचर यानी कि आपका सिग्नेचर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। फुल स्क्रीन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं एंड यहाँ पे आपके मर्चेंट के हिसाब से आप अपना सिग्नेचर डाल सकते हैं, यानी कि आपके RDSP CSP में जो भी सिग्नेचर दे रखे थे या फिर आपका जो भी सिग्नेचर है यहाँ पे आपको अपने उंगली से सिग्नेचर टाइप करने के बाद डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नीचे देखेंगे तो प्रोसीड वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। आई एग्री दैट वाले ऑप्शन पे आपको एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद साइन डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट साइन हो चुका है आपका कंप्लीट, आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा एंड यहाँ पे सक्सेसफुल आपके सामने आ जाएगा, आपका रेफरेंस नंबर डॉक्यूमेंट ID सब कुछ आ जाएगा। ओके वाले बटन पे क्लिक करना है और दोबारा से आप अपना RDSP CSP को लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप अपना सारे सर्विसेज दोबारा से ले पाएंगे। अगर आप ई साइन एग्रीमेंट नहीं करते हैं तो आपका CSP परमानेंट क्लोज हो जाएगा और आप किसी भी प्रकार का काम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।